नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई सूर्य नारायण सरोवर जिसका निर्माण शीघ्र होगा प्रारंभ। मुल्ताई अमरावती मार्ग पर स्थित सूर्य नारायण सरोवर 1,13,00,000 रुपए की लागत से जलाशय में तब्दील होने जा रहा है। इसके साथ ही 41,00,000 रुपए की लागत से उद्यान भी विकसित होने जा रहा है जिसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। उक्त निर्माण से अमरावती रोड क्षेत्र का जहां कायाकल्प होगा, वहीं जलाशय निर्माण से उक्त क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। पूर्व में सूर्य नारायण सरोवर का निर्माण किया तो गया, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते सरोवर में वर्षा का पानी एकत्रित नहीं हो सका। लगातार रिसाव से वर्षा समाप्त होते ही सरोवर का पानी भी खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब नगर पालिका द्वारा इसे जलाशय का रूप दिया जा रहा है, जिससे अब निर्माण के बाद जलाशय में पानी रुकेगा, वहीं सरोवर का पानी निस्तार के काम भी आ सकता है। बताया जा रहा है कि सूर्य नारायण सरोवर के कायाकल्प का ठेका दिया जा चुका है, जिसकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल होते ही ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जलाशय के पास स्थित जगह पर उद्यान बनाया जाएगा, जिससे अमरावती मार्ग की सुंदरता भी बढ़ेगी, साथ ही लोगों के भ्रमण के लिए भी यह स्थल उपयुक्त होगा। इस संबंध में नपा के उपयंत्री योगेश अनेराव ने बताया कि सूर्य नारायण सरोवर का निर्माण बांध की तरह होगा, जिसमें खासा पानी रोका जा सकता है, तथा बांध इसके साथ ही अलग से उद्यान का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठेका हो चुका है तथा बांध का ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल के लिए गया हुआ है, जिसके बाद शीघ्र कार्य प्रारंभ हो सकता है। पानी नहीं रुकने के कारण दिया जा रहा जलाशय का स्वरूप सूर्य नारायण सरोवर जहां स्थित है, वहां सभी तरफ से पर्याप्त जल की आवक होती है, लेकिन सरोवर में तकनीकी कारणों से पानी नहीं रुकने से हमेशा सरोवर खाली नजर आता है। नगर पालिका द्वारा इसके लिए तकनीकी रूप से समझने के बाद अब इसे जलाशय का स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि इसका ड्राइंग डिजाइन ऐसा ही कि जिससे पर्याप्त पानी रोका जा सके। बताया जा रहा है कि निर्माण के बाद जलाशय में पर्याप्त पानी रुक सकता है, साथ ही उद्यान का निर्माण होने से यह नगर का एक रमणीय स्थल भी बन से सकता है। फिलहाल जलाशय में नामात्र का पानी मौजूद है। इसके अलावा सरोवर के पास पूर्व में किया पौधारोपण भी बर्बाद हो चुका है। जलाशय नगर के बीच में होने से बड़ी संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल जो लोग बुकाखेड़ी विसर्जन स्थल दूरी होने के कारण नहीं जा पाते, वे सांडिया के पास ताप्ती नदी सहित आसपास ही प्रतिमाएं विसर्जन करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यनारायण जलाशय में यदि नपा विसर्जन की व्यवस्था करेगी तो प्रतिमाओं का विसर्जन व्यवस्थित रूप से हो ही सकता है, वहीं नगर में होने से व्यवस्थाओं में व्यय भी कम होगा। जलाशय निर्माण का टेंडर हो चुका है, जिसके बाद ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल होते ही ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।